ये देखो सफाई के लिए अब लोग आने जाने वाले मुझे परेशान करते हैं, मैं उनको कहता हूँ सफाई के लिए, तो आप देख लीजिए। देखो अब ये देखो, अब मेरी फाउंटेन में ड्यूटी है, मैं कहाँ कहाँ तक जाऊँ सर। और प्लेटों को इधर देखो, इधर डाल के देखो, ये नीचे देखो, यहाँ पे देखो, मैं कुछ शर्मिंदा हो जाता हूँ यहाँ बैठे बैठे। हेलो एमिरेट्स एंड ऑल माई व्यूअर्स, प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है इसमें। कल मेरे फ्रेंड्स और मैं ऐसे ही वैशाली नगर चौपाटी पर घूमने चले गए थे, तो वहाँ पर हमने कुछ ऐसा सुना, ऐसा देखा, जिससे हम लोग सीरियसली बहुत शर्मिंदा हुए। मे बी वहाँ जितने भी लोग घूमने आते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड होंगे बजाय वहाँ के गार्ड साहब के, या वॉचमैन कह लो या केयरटेकर कह लो। तो अब मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ उन सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल की हरकतों में और वहाँ के गार्ड साहब की सोच में। वीडियो देखो आप, पहले पूरा वीडियो देखो। ये है चौपाटी वैशाली नगर की और ये आगे गार्ड साहब है, आप बताओ प्रॉब्लम क्या है यहाँ। ये जी ये सफाई के लिए है, लोग मुझे बोलते हैं तो मैं उनको कहता हूँ भाई सफाई करो, ये सफाई का हाल ही है, देख लो आने जाने वाले कहते हैं मुझे, मैं सफाई के लिए मना करता हूँ। यहाँ पर तो डस्टबिन है, डस्टबिन हो रहा साइड में, इधर कॉर्नर पे लगे हुए, जा नहीं सकते। अब मेरी फाउंटेन में ड्यूटी है, मैं कहाँ कहाँ तक जाऊँ सर, मैं कह सकता हूँ ना उनको। ये देखो, ये है यहाँ के एजुकेटेड पर्सन है, यहाँ पर काफी सारे। और प्लेटों को इधर देखो, इधर डाल के देखो, ये नीचे देखो, यहाँ पे देखो, मैं कुछ शर्मिंदा हो जाता हूँ, यहाँ बैठे बैठे यहाँ डाल देते हैं। अब एक लड़के लड़का यहाँ बैठ गए, जबकि उनको कहा था, अब यहाँ खिसका दिया उन्होंने, मेरी नज़र उधर थी, खिसका दिया यहाँ पे। ठीक है, क्या स्मार्ट सिटी बनेगी सर? अब सही है, सही है आपका, बहुत सही बोल रहे हो आप। जो अपने आप को नहीं समझ सकते वो क्या समझेंगे। देखा आप लोगों ने, गुस्सा आया या नहीं आया? डैम शोरू बहुत लोगों को गुस्सा आया होगा ये सारी चीज़ें देखकर। यार आप लोग स्मार्ट सिटी करते रहते हो, ऐसे बनेगा स्मार्ट सिटी? आप लोग आपके घर को भी साफ रखते हो तो ये भी आप ही का घर है, आप ही का शहर है। ये छोटे छोटे शहरों को साफ करोगे तभी तो हमारा देश साफ होगा। और ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स मेरे ऐड हैं या ये वीडियो देख रहे हैं, यार मैं ये नहीं कहता कि आप लोग ऐसा काम कर रहे हो वैसा काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो आपकी फील्ड में, बट कभी कभी ऐसे मुद्दे भी उठा लिया करो यार, अपनी टारगेटेड ऑडियंस को इन सब मुद्दों में भी इन्फ्लुएंस कर दिया करो कभी कभी। साला कुछ नहीं, इसे कुछ तो फ़र्क पड़ेगा हमारे अजमेर शहर में। तो गाइस पहले खुद स्मार्ट बनो, उसके बाद स्मार्ट सिटी के सपने देखना। जय हिंद, जय राजस्थान।